आज ही के दिन 1687 में औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा किले पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1837 में हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जन्म हुआ। पंडित शर्मा लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे के रचयिता हैं। इस आरती की रचना उन्होंने 1870 में की थी। आज ही के दिन 1908 में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। राष्ट्रकवि दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। साहित्य के रूप में उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से नवाजा गया। आज ही के दिन 1922 में भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ। ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक फिल्मों के दायरे में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानवीय संबंधों की बारीकियों को बखूबी पेश किया। ऋषिकेश मुखर्जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला। उन्हें 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और साल 2001 में पद्म भूषण से नवाजा गया। आज ही के दिन 1947 में पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। आज ही के दिन 1955 में हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जेम्स डीन की एक सड़क हादसे में मौत हुई। आज ही के दिन 2001 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया का एक दुर्घटना में निधन हुआ। आज ही के दिन 2003 में प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। और आज ही के दिन 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया।